सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अंशुल भट्ट, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स दिन प्रतिदिन नज़दीक आता जा रहा है, तो जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आते हैं, इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो रिलेट विद इट, तो क्या होता है ना, आप एक लिम्बो में चले जाते हो और बच्चे ना सोचते हैं कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और वो सिर्फ दिमाग में रह जाता है और हम लोग बिस्तर में ही पड़े रहते हैं। ऐसा होता है, दिस हैज़ हैपेंड विथ मी, एंड आई थिंक थोड़े बच्चों के साथ तो ऐसा हो ही रहा होगा। इनफैक्ट शायद आप वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ ना हो रहा हो, बट आई थिंक अलॉट मेनी पीपल कैन रिलेट विद इट। तो मुझे लगा कि आई शुड यू नो कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दिस, एंड आई शुड टेल यू 5 मेजर थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू इन दिस कमिंग पीरियड। तो आपको वो 5 चीज़ें क्या हैं जो आपको करनी नहीं इन 30 दिनों में, या जितने भी अभी प्रीलिम्स के दिन बच रखे हैं, जो आप वीडियो जब भी देखेंगे, तो उन दिनों में आपको ये 5 चीज़ें नहीं करनी। तो पहली चीज़ तो है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सभी को पता है, कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने शायद मेरी पुरानी वीडियो अगर देखी होगी, तो मैं कहता हूँ कि चाय के टपरे पे चाय भी जाके पियो, दोस्तों से भी बातें करो और पढ़ाई भी करो। लेकिन जो अभी का टाइम है ना, दैट इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ना, इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल, बट मैं कहता हूँ कि 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, लेकिन दैट इज़ फॉर द टाइम व्हेन प्रीलिम्स इज़ नॉट दैट नियर। जब प्रीलिम्स इतना पास में है, वो टाइम नहीं है कि सिर्फ आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे पढ़ रहे हो। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू पुश योर सेल्फ टू दी वेरी लिमिट। तो मैं आपको कहूँगा, जैसे अभी प्रीलिम्स पास में आ गए हैं, तो ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग एटलीस्ट फॉर 10 आवर्स। और ये 10 आवर्स स्टडिंग वो वाले नहीं है कि आप बैठे हुए और रील स्क्रोल भी कर रहे हो और वीडियो भी चल रही है और नोट्स भी खुले हुए हैं और आप पढ़ रहे हो। तो ये 10 घंटे, वो 10 घंटे होने चाहिए जिसमें आप डेडिकेटेडली बैठ के पढ़ रहे हो। और जैसे आप शायद पोमोडोरो टेक्निक अगर आप अपनाते होंगे, तो उसमें क्या होता है, यू स्टडी फॉर 25 मिनट्स, यू टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, या फिर आप ये एक हैक भी है थोड़ा सा, अगर जिसको स्टडी में प्रॉब्लम होती है, तो स्टडी फॉर 50 मिनट्स एंड टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। तो इसमें जो 50 मिनट का स्टडी पीरियड है ना, तो ऐसे स्टडी पीरियड आपके टोटल होके 10 आवर्स होने चाहिए। तो दिस शुड बी योर गोल। और जैसे जैसे एग्जाम और नज़दीक आएगा, आई वॉन्ट यू टू स्ट्रेच इट टू 12 आवर्स, देन इवेंचुअली 14 आवर्स, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। तो दिस शुड बी योर गोल। आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड डू द वर्क। होता है इसमें ना, हमें थोड़ी एंगजाइटी सी हो जाती है, तो एंगजाइटी की वजह से यू स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स। तो क्या होता है ना, आप सोचें करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, शाम को पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट गेट अप, सिट ऑन द टेबल, ओपन द करंट अफेयर्स बुकलेट और पढ़ना स्टार्ट कर दो। डोंट थिंक अबाउट इट कि अभी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट गेट अप एंड जस्ट डू इट। तो जब आप ऐसे करेंगे ना, यू विल इवेंचुअली फाइंड दैट 5 मिनट के बाद आपको प्रोकेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा, इनफैक्ट एंग्जाइटी लेवल्स भी आपके डाउन आ जाएंगे। तो और दूसरी चीज़ की जिसकी मैं बात करूँ, तो आई थिंक दैट वुड बी फोमो। होता है ना कि सबको होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे यार मैंने तो यार न्यूज़पेपर पढ़ना 2 महीने पहले ही बंद कर दिया था, या इसने तो कहा था, अंशुल ने तो कहा था कि 2 साल के पुराने करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं, मैं तो न्यूज़पेपर अभी 6 महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट करा। अरे ये तो कह रहा था मैं तो 6-6 न्यूज़पेपर पढ़ता था, या मैं 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं तो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा हूँ। तो यार मैं कहूँगा ना, अगर जितना आपका अभी तक हो चुका है ना, जैसे कि अरे इसने तो बोला था कि सतीश चंद्र भी पढ़नी है मेडिवल के लिए, लूसेंट भी पढ़नी है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, लेकिन मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तो कोई और रिसोर्स फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसे होते ना, अभी आप देखेंगे बहुत सारी टॉपर स्ट्रैटेजीज फ्लोट भी होती हैं YouTube में, स्पेशली ये प्रीलिम्स के टाइम। तो मेरा आपसे एक ही गुजारिश है, स्पेशली इफ़ यू आर गिविंग दिस प्रीलिम्स ना, डू नॉट चेंज योर प्लान। इनफैक्ट इफ़ यू हैव टू ऐड समथिंग टू इट, जैसे मैंने कोई बुक बता दी, जैसे आई हैव टॉक्ड अबाउट लूसेंट एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट डॉक्यूमेंट्री, इफ़ यू हैव टू ऐड दैट, दैट इज़ वेल एंड गुड, ऐड दैट थिंग, बट डू नॉट चेंज योर ओन स्ट्रैटेजी फॉर समथिंग एल्स, स्पेशली ये लास्ट की क्रूशियल 30 डेज में। और इसमें जैसे मैंने बताया कि एक फोमो सा हो जाता है कि यार मेरी मेडिवल हिस्ट्री कमज़ोर है, या मेरे एंशियंट मैंने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, या मेरे इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट छूटा हुआ है, या मेरे करंट अफेयर्स के, यार मैंने इतने करंट अफेयर्स कवर नहीं करे हुए। तो मैं मुझे कहता हूँ यार, जितना आपका हो गया ना, उतना छोड़ दो अभी, इतनी टेंशन मत लो, जितना हो गया दैट इज़ वेल एंड गुड। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका ढंग से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो उसके लिए थोड़े से टाइम स्लॉट अलग निकाल लो और उस पर वर्क करो। लेकिन ये फालतू की हवा मत क्रिएट करो कि यार यार ये नहीं पढ़ा हुआ, वो नहीं पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो यू नो, जस्ट ट्राई टू बी अ लिटिल मोर काम, अ लिटिल मोर कंपोस्ट, और इतना फोमो मत हो, इतना टेंशन मत लो कि मेरा ये भी बचा हुआ है, वो भी बचा हुआ है, उसने तो ये भी पढ़ लिया, उसने तो वो भी पढ़ लिया। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ चेजिंग आफ्टर रिसोर्सेज। जैसे अभी आप देखोगे, स्पेशली ऑन टेलीग्राम एंड स्पेशली ऑन ऑनलाइन ये वेबसाइट्स, यू विल सी दैट नाउ यू विल फाइंड दैट कंपाइलेशन ऑफ PIB, कंपाइलेशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, कंपाइलेशन ऑफ हिंदू। इनफैक्ट कई लोग क्या करते हैं, वो हिस्ट्री को भी करंट अफेयर से लिंक करके उसके भी 100-200 पेजेस के PDF निकाल देते हैं,
कई लोग 50 50 पेजेस की ट्रिक्स बता देंगे कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, आंसर शीट में ऐसे आप ओ मैथ में एस बना दोगे तो सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे, मतलब ऐसा तो इट इज ऑब्वियसली भी पॉसिबल फॉर टाइम सिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक आइडिया, तो ट्रिक्स बताएंगे ये बताएंगे, तो यू नो यू विल देन स्टार्ट पिवटिंग टुवर्ड्स, क्योंकि आपको लगेगा यार मेरी स्ट्रेटजी मेरी मेरी प्रेपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, अगला अटैम्प्ट दे देता हूँ, ये अटैम्प्ट छोड़ देता हूँ, अगला अटैम्प्ट दे देता हूँ, एक तो ये चलता है दिमाग में, उसके बाद फिर ऐसी चीज़ें आती हैं तो लगता है अरे यार 10 नंबर तो इसी से बढ़ जाएंगे, ये कर लेता हूँ यही कर लेता हूँ यही कर लेता हूँ, तो पता है फिर हम लोग वी स्टार्ट चेजिंग रिसोर्सेज, फिर लगता है यार इसके मॉक्स लगा लेता हूँ, इस वाली कोचिंग के मॉक्स लगा लेता हूँ, क्वेश्चन तो इसी में से पूछते हैं, इसके मॉक्स लगा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, तो ऐसी चीज़ें आती हैं, देन वी गो एंड स्टार्ट चेजिंग आफ्टर रिसोर्सेज। मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स को, इनफैक्ट मैंने तो कभी भी ओपन मॉक्स में नहीं गया, नहीं लिया स्पेशली ऑफलाइन, तो मैंने कभी जाके नहीं दिया, ऑनलाइन शायद कभी दे दिया होगा, गलती से मन कर रहा होगा तो मैंने शायद दे दिया होगा, ऑफलाइन तो मैं ओपन मॉक्स के लिए कभी गया ही नहीं, तो मैं देखता हूँ मेरे कई सारे फ्रेंड्स से, तो उनके एक दो दोस्तों ने लिया ओपन मॉक्स, उनको लगा यार ये तो दे रहे हैं हमें भी देना चाहिए हमें भी देना चाहिए, तो भेड़ चाल में उसके पीछे चल पड़े, और क्या हो रहा है फिर ओपन मॉक्स में आप 6 6 7 7 ओपन मॉक्स दे रहे हो, 6 6 7 7 दिन आप बाहर के बाहर पूरा का पूरा दिन बाहर लगा दे रहे हो, यू कुड हैव वेरी वेल यू नो गिवन दैट इन ऑनलाइन फॉर्मेट, और उसके बाद आप घर पर पढ़ाई कर सकते थे, आपको सिमुलेट करना है इन्वायरमेंट आप सिमुलेट घर में कर लो, आपको बाहर ही करना है तो आप 1 या 2 दिन चले जाओ, इतना ज़्यादा टाइम मत दो, यू नो जस्ट डू नॉट यू नो गो आफ्टर रिसोर्सेज, डू नॉट यू नो स्टार्ट चेजिंग आफ्टर रिसोर्सेज की अरे यार ये टेस्ट सीरीज कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, तो ये मत करो। तो और सबसे बड़ी बात ना, अभी के टाइम आप देखोगे ना, मेरे ख्याल से ये तो मैंने खुद ही फील करा था, आपने भी शायद फील करा हुआ, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और टेंशन इस बात की नहीं होती कि हमारी पढ़ाई कमज़ोर है, मतलब इस बात की थोड़ी होती है कि यार कमज़ोर है पढ़ाई, अगले साल दे देंगे अटैम्प्ट, एक तो ये दिमाग में रहता है कि यार ये अटैम्प्ट छोड़ देते हैं अगले साल अटैम्प्ट दे देंगे, ऐसा मत करो, आप ये सोचते रहोगे ना अगले साल भी ये सोचोगे, जब अपना पहला अटैम्प्ट फिर दे रहे हो ना फुल प्रेपरेशन के साथ, तो 2030 हो चुका होगा और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न ही चेंज हो गया, फिर आप फिर से बोलोगे अरे यार मैं तो प्रिपेयर नहीं हूँ नेक्स्ट अटैम्प्ट दूंगा, तो ऐसे करते करते ना नेक्स्ट अटैम्प्ट देते जाओगे और आपका एक भी अटैम्प्ट नहीं होगा, तो इस बात की टेंशन दिमाग से निकाल दो। और एक और दूसरी बात की टेंशन होती है बच्चों को ना, बच्चों को टेंशन होती है रिजल्ट्स की, मैंने भी देखा है कई बार, मतलब मैं तो मतलब बाद में थोड़ा मैं उस जगह से हट गया था, उस फेज से आगे आ गया था, लेकिन स्पेशली जब मैं पहली बार फिल्म्स के लिए तैयारी कर रहा था मेरे दिमाग में ये चल रहा था यार रिजल्ट्स आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, और मेरे दिमाग में तो ऐसी चीज़ें चलती थी यार रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं किसको मुँह दिखाऊंगा, रिजल्ट नहीं आएगा मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे या सोसाइटी क्या सोचेगी या जिन्होंने मेरे से एक्सपेक्टेशंस इतनी आस लगा रखी है उनका क्या होगा, तो ऐसे ऐसे थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, फिर मेरे दिमाग में से इमेजिनरी सिचुएशन सिनेरियोस क्रिएट नहीं करते बच्चे कि अरे रिजल्ट अच्छा नहीं आया इधर घूम रहे उधर घूम रहे रो रहे ऐसे कर रहे, तो आपको ऐसा नहीं करना, यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट रिजल्ट्स यार, व्हाट इज दिस यार, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम, जस्ट एन एग्जाम, हज़ार हज़ार लोग हर साल निकलते हैं, इनफैक्ट आई गेस आज से 6 महीने बाद आप लोगों को मेरी शक्ल भी याद नहीं होगी, शायद मेरा नाम भी याद नहीं होगा कि कोई था अंशुल भट्ट ऐसे आके वीडियो बनाता था, तो यार इट इज़ जस्ट एन एग्जाम, इतनी हवा मत बनाओ, इतना मतलब अपने आप को ना मतलब डोंट मेक इट योर लाइफ, यू आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एन एग्जाम, और स्पेशली डू नॉट थिंक अबाउट रिजल्ट, यू नो जस्ट थिंक अबाउट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एन्जॉय द प्रोसेस, ऐसा कहते हैं ना कि आर्थर शोफनहावर का एक कोट है कि दिस लाइफ इज लाइक अ पिक्चर डन इन रफ मोज़ेक, व्हेन लुक्ड इन क्लोजली इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन जब आप दूर से देखते हो ना तो एक बहुत सुंदर पिक्चर निकल के आती है, एक मोज़ेक आर्ट होती है, तो उसमें क्या होता है छोटे छोटे पत्थर से ऐसे 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 करके एक इमेज फॉर्म बनाते हैं, आप पास से देखोगे ना आपको कुछ उसका सिर पैर समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप एक डिस्टेंस से देखोगे ना तो आपको वो आर्ट फॉर्म बहुत सुंदर लगेगी, तो हमारी लाइफ भी कुछ इस तरह से ही होती है, जब आप बिल्कुल मतलब क्लोज बहुत ही माइक्रो लेवल पर आप देख रहे होंगे कि हम आज क्या कर रहे हैं, और आप सोचोगे यार मैं तो कल के लिए जी रहा हूँ, मैं तो इसलिए जी रहा हूँ जब मैं लवासा चले जाऊँगा, या मैं इसलिए जी रहा हूँ जब मैं ऑफिसर बन जाऊँगा, या मैं इसलिए जी रहा हूँ कि मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा, तो जो आपका आज है ना आप वो कल के लिए सैक्रीफाइस करते रहते हो, और मतलब दैट इज़ अ गुड थिंग, आप सैक्रीफाइस कर रहे हो लेकिन आप वो मतलब इन्जॉय नहीं कर रहे हो, जब आप उस लेवल पर पहुँचोगे ना तब आपको ये मतलब महसूस होगा कि जो असली लाइफ आप जीने की सोच रहे थे कि मैं वो बन के जीऊँगा असली लाइफ, लेकिन जब आप इस समय में थे ना तो असली लाइफ यही थी जो आप अभी जी रहे हो, तो दिस वॉज द रियल लाइफ, तो आप यू नो यू शुड यू नो थिंक अबाउट द रिजल्ट बट ऑल्सो इन्जॉय द प्रोसेस, इन्जॉय दिस वेरी लाइफ, क्योंकि बाद में जाके आपको लगेगा कि जो आपकी लाइफ अभी जीने की थी ना आपने वो पूरी मिस कर दी, तो मैं कहूँगा कि डो नॉट थिंक अबाउट रिजल्ट, एक वो शायद वो भी है कि कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, तो यू नो यू जस्ट हैव टू बी लाइक दैट, और जब आप ऐसे करोगे ना, अब आप कर्म करते जाओगे फल की चिंता नहीं करोगे ना, यू विल सी दैट वो एंग्जाइटी होती है वो टेंशन होता है ना दैट लिटरली मेल्ट्स अवे, और जब वो आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, जब आपके पास मन में टेंशन नहीं होगी रिजल्ट्स की, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस इज नॉट हैंगिंग ओवर योर हेड, तो जब आप एग्ज़ाम दोगे ना आई एम प्रिटी डैम श्योर 10 मार्क्स आपके ज़्यादा ही आएंगे अगर आप टेंशन के साथ एग्ज़ाम देते थे, और ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं और किसी किसी की गारंटी देता, बस दिस वेरी वन थिंग कि अगर आप बिना टेंशन के एग्ज़ाम दोगे तो आपके जो ऑरिजिनली मार्क्स आ रहे थे उससे 10 नंबर ज़्यादा ही आएंगे, दिस इज़ अ गारंटी दैट आई कैन टेक।
इनफैक्ट मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, यू गो टू द जिम, तो जब आप जिम जाते हो आप बेंच प्रेस करते हो, डेड लिफ्ट करते हो, बर्पीज या कोई भी बॉडी वेट एक्सरसाइज, आप एल सिट्स वगैरह कुछ भी कर रहे हो, इनफैक्ट आप योगा कर रहे हो, आप मयूर आसन कर रहे हो या जो भी आसन कर रहे हो, हनुमान आसन कर रहे हो, वट एवर आसन यू डूइंग, तो उस टाइम यू विल फील स्ट्रेन ऑन योर आर्म्स लेग्स पे, और आप उस टाइम सिर्फ वो प्रोसेस कर रहे हो, फिर आप घर जा रहे हो, सो रहे हो, आप एक महीने बाद देखोगे ना, यू विल सी दैट योर मसल्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग, यू विल सी दैट योर बॉडी हैज स्टार्टेड कमिंग बैक इन शेप, या आपको दिखेगा कि आपकी सोल है या आपका जो मेंटालिटी है वो और खुशनुमा हो गया है। तो ये आपने उस टाइम रिजल्ट्स का नहीं सोचा, यू आर जस्ट डूइंग द थिंग, यू आर जस्ट एक्सरसाइजिंग, और जो एक्सरसाइज का रिजल्ट फिर खुद आया है। तो इसी तरह से आप अगर पढ़ते जाओगे ना, डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, आप पढ़ते जाओ तो जो रिजल्ट आएगा ना वो अपने आप आएगा। तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू इन्जॉय द प्रोसेस, और वो रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी के फॉर्म में आए, यूपीएससी का आइटम निकल जाए, ऐसा ही है। अगर आप अभी अच्छे से पढ़ोगे ना, तो वेर एवर यू गो इन लाइफ, आप ऑफिसर बन जाओ उसके बाद, वेर एवर यू गो इन विच एवर डोमेन यू गो, आई थिंक जो वो रिजल्ट रहेगा ना आज की पढ़ाई का, वो आपको उस समय भी मिलेगा। और चाहे आप सोचोगे आप यू पिविट योर फील्ड, आप चेंज भी कर दो, तब भी आपको पढ़ाई का फल मिलेगा। इनफैक्ट इससे मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम वो याद आया, एक मेरा एक सीनियर था वही बता रहा था, तो दे वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो उनका ऑप्शनल फिलोसफी था किसी का, तो इनफैक्ट देन ही पिविटेड फ्रॉम फिलोसफी टू लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बन गया। तो इनफैक्ट ऐसे था, तो एक दिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा केस आया, तो ही यूज्ड हिज ऑप्शनल नॉलेज ऑफ फिलोसफी टू आर्ग्यू इन दैट केस, तो मतलब वो चीज़ वहाँ काम आ गई। तो ये यार पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, इनफैक्ट हमें बताया हम एक ही किताब बार बार पढ़ते जाते हैं, मैं कहता हूँ पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती, लेकिन वो है मतलब। तो आपको जो अभी प्रोसेस है, यू हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस, यू हैव टू एंजॉय दैट प्रोसेस, यू सर्टनली हैव टू लुक टुवर्ड्स द गोल, बट यू डू नॉट हैव टू मेक योर लाइफ दैट गोल। तो दैट वॉज द फोर्थ थिंग, एंड नाउ कमिंग टू द फिफ्थ थिंग, आई थिंक दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम व्हेन यू टेक द अटमोस्ट केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, तो आई वुड से कि स्लीप साइकिल ना आपका, यू विल नाउ हैव टू सी that your sleep cycle is aligned to the exam schedule, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, in fact sometimes I used to wake up 4 in the morning, तो तब पढ़ता था, sometime I used to go to sleep at 4 in the morning, तो अगर you are one of us, you are one, बोलते हैं ना night owl बोलते हैं जिसको, अगर आप वो हो, तो now I would suggest कि आप धीरे धीरे अपना sleep cycle वापस align करो, और when you try to get up at around 5 or 6 or probably 7, वरना पता है क्या होगा आप क्या, क्योंकि आप सुबह, आपको रात में पढ़ने की आदत है, तो अगर आप एग्ज़ाम इसी स्लीप साइकिल में जाओगे ना, एक तो आपको नींद नहीं आएगी एग्ज़ाम से एक दिन पहले, क्योंकि रात को सोना पड़ेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप जब उठोगे, तो जब आपको मतलब बिल्कुल पीक पे परफॉर्म करना है ना, उस टाइम आपको ऐसे ऐसे नींद की झपकियाँ आ रही होंगी, क्योंकि योर बॉडी नोस कि वो मेरा सोने का टाइम है। आपका माइंड को तो पता है कि आपको एग्ज़ाम लिखना है, लेकिन आपके बॉडी को वैसी आदत हो चुकी है कि वो आपका सोने का टाइम है, तो आप बिल्कुल अपने पीक परफॉर्म नहीं कर पाओगे जैसे आप कर पाते। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट अलाइनिंग योर स्लीप शेड्यूल धीरे धीरे, एक एक घंटा पीछे पीछे करते जाओ, और देन यू नो स्लीप एट वॉट 10 और 11 वट एवर टाइम यू स्लीप, फिर गेट अप एट 5 और 6 वट एवर सूट्स यू, और ऐसे करो। इनफैक्ट मैं देखता हूँ इन स्पेशली जब प्रीलिम्स नज़दीक आते हैं, तो बच्चे दे पीपल स्टॉप एक्सरसाइजिंग, बोलते हैं एक्सरसाइज में क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि डोंट, इफ़ यू आर गोइंग आउट फॉर रन, डोंट गो आउट फॉर लॉन्ग रन्स, 15 मिनट यार घर पे रूम पे एक्सरसाइज कर लो, 15-20 मिनट आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ, यू वॉन्ट टू डू सम बर्पीज, डू सम बर्पीज, वॉन्ट टू डू सम पुशअप्स और एनीथिंग, तो डू दैट थिंग। तो उससे क्या होता है ना, एक ना बॉडी चार्जअप रहती है, तो जब आप एक्सरसाइज भी करते हो तो इट हेल्प्स यू टैकल योर एंग्जाइटी, और जितना नर्वसनेस होती है तो सारी पसीने के साथ साथ बाहर निकल जाती है, इट सीक्रेट्स हैप्पी हार्मोन्स, तो आपके माइंड को भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, व्हेन यू आर इंडल्जिंग इन एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो मुझे लगता है आपका जो माइंड है ना वो और थोड़ा शार्प हो जाता है, इट बिकम अ लिटिल मोर प्रोडक्टिव। तो जो 15 मिनट आप इन्वेस्ट करोगे एक्सरसाइज में ना, दैट विल गिव यू नेट रिटर्न ऑफ 50 मिनट्स प्लस इन प्रोडक्टिविटी, तो दैट इज़ अ विनिंग सिचुएशन, नॉट अ लूजिंग सिचुएशन। तो आई थिंक यू शुड नॉट स्टॉप एक्सरसाइजिंग, अगर प्रीलिम्स आ भी गया तो उससे प्रीलिम्स से 2-3 दिन पहले प्रॉब्ली यू कैन डू दैट। और टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, तो आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, उनका बीपी क्या होता है, बीपी शूट अप हो जाता है कहीं होगा, मैंने कहा 120-80 जैसे नॉर्मल रहता है, तो भाई 130-140 पहुँच गया, नीचे वाला 100 पहुँच गया, तो ये इशू हो जाता है कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, एंड आई हैव सीन दैट विथ माई ओन आइज। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ उनको, प्रॉब्ली व्हाट यू कैन डू, एक तो बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दालचीनी का पानी या अर्जुन की छाल का पानी एक्सेट्रा, मतलब दैट इज़ अनदर थिंग, बट व्हाट यू कैन डू घर पे बैठे बैठे, यू कैन डू प्राणायाम। और मुझे आपको बहुत छोटी सी बात लगेगी कि मतलब अरे यार ये तो सभी बोलते हैं ऑनलाइन रहते हैं, बट जस्ट गो एंड ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, जस्ट डू 15 मिनट्स ऑफ प्राणायाम इन द मॉर्निंग,
एंड 15 मिनट्स ऑफ प्राणायाम इन द इवनिंग इफ यू आर डीलिंग विद सीवियर यू नो एंग्जाइटी और थोड़ा सा मतलब इफ यू आर डीलिंग विद सच सिचुएशंस आई वुड सजेस्ट इफ यू हैव टू गो सी अ डॉक्टर प्लीज गो सी अ डॉक्टर बट इफ इट इज नॉट दैट सीवियर वॉट यू कैन डू यू कैन स्टे एट होम एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ प्राणायाम और आप जब प्राणायाम करो जस्ट क्लोज योर आईज इफ यू वॉन्ट टू प्ले सम सॉफ्ट म्यूजिक इन द बैकग्राउंड प्ले दैट और धीरे धीरे बिल्कुल श्वास के साथ मग्न हो जाओ ऐसे ऐसे सांस लो जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधा दैट योगा इज द सेसेशन ऑफ माइंड स्टफ तो जब आप प्राणायाम करोगे ना प्राणायाम इज वन ऑफ द लिम्स ऑफ अष्टांग योगा तो आसन के बाद प्राणायाम आता है तो व्हेन यू आर डूइंग प्राणायाम यू आर रेगुलेटिंग योर लाइफ ब्रेथ तो आप देखोगे ना जैसे जैसे आपकी ब्रेथ रेगुलेट होती है ना तो प्राण आपका रेगुलेट होता है वैसे वैसे बिल्कुल मन और चित्त शांत हो जाता है तो इट विल रियली हेल्प यू और ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कहता हूँ और इनफैक्ट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट और ये आपकी मेंटल हेल्थ को तो अच्छा करता है आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा करता है और थोड़ा मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है तो दैट वाज ऑल तो दिस वर द 5 things दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट डू नॉट मेक दिस 5 mistakes बिफोर दिस अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम आई एम एक्सट्रीमली श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल डू ग्रेट ऑल ऑफ यू विल डू वंडरफुल इफ नॉट इन दिस एग्जाम यू विल डू ग्रेट एंड वंडरफुल इन दिस लाइफ थैंक यू